सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक नेक अल्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, ये है कुर्ती जिसका कि कॉलर नेक है, तो मैं इसमें सिंपल नेक बनाऊँगी, तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो इसकी कॉलर है उसको निकाल देना है, और इसके जो शोल्डर है उसको मैं खोल दूंगी यहाँ यहाँ तक, स्लीव तक बिल्कुल नहीं जाऊंगी, सिर्फ आधा आधा इंच छोड़कर ये शोल्डर मैं खोल लूंगी। तो सबसे पहले मैं इसका कॉलर कट कर लेती हूँ। तो ये कॉलर मैंने इसका कट कर लिया है, अब मैं ये जो शोल्डर है इसको भी खोल लूंगी। तो ये दोनों साइड के शोल्डर खुल चुके हैं, और अब हमें ये बैक साइड को इस तरीके से पकड़ना है सेंटर से बिल्कुल। तो ये हमारा जो है बैक साइड आ गया है, अब हम यहाँ पे नेक काट लेंगे, थोड़ा सा बड़ा नेक काटूंगी मैं, इस तरीके से अच्छे से सेट करना है आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1-1.5 इंच का हम कॉलर में बैक नेक काटते हैं उतने पे है ये, तो मैं इसको थोड़ा सा डीप करूँगी और मैं जो इसकी थोड़ी सी चौड़ाई भी बढ़ाऊँगी। जैसे कि कॉलर नेक में हम जो ये ब्रॉडनेस होती है वो 3 इंच लेते हैं, मैं इसको 4 इंच कर लूँगी और जो इसकी लेंथ है वो 5 इंच कर लूँगी, तो ये थोड़ा सा बोट नेक में आ जाएगा। क्योंकि ये जो कॉलर नेक है इसमें जो हम शोल्डर ज़्यादा लेते हैं, अगर आप इसमें डीप नेक काट देंगे तो वो जो शोल्डर का गिरने वाला प्रॉब्लम है वो इसमें आ जाएगा। तो मैं इसमें बोट नेक बना रही हूँ, इसकी ब्रॉडनेस थोड़ी सी यहाँ से बढ़ा दूँगी और जो इसकी लेंथ है नेक की वो मैं 5 या फिर 4.5 रखूँगी। तो यहाँ से सबसे पहले ये अभी मैं बैक नेक ही काट रही हूँ, बैक नेक का बता रही हूँ, बाद में फ्रंट नेक बताऊँगी आपको। तो यहाँ से 1 इंच मैंने ले लिया है चौड़ाई में, और ये यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो ये नेक है 1 इंच कटा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसको 4.5 कर लेती हूँ कटिंग करके। इसका हम चौरस बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से, और इसको हम राउंड शेप दे देंगे ये इस तरीके से। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। तो इस तरीके से हो गया है हमारा बैक नेक, और क्योंकि ये लाइनिंग वाला है तो मैं पहले क्या करूँगी, इसमें कुछ भी पट्टी या फिर बुकरम आप जो भी लगा रहे हो, यहाँ पे लाइनिंग वाला है तो मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा लूँगी ताकि जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक है वो दोनों साथ में रहें। तो ये इस तरीके से मैंने सिलाई लगाई है ताकि ये दोनों कपड़े एक साथ हो गए हैं। तो चलिए हम फ्रंट नेक भी काट लेते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं इस तरीके से ये वी ऑलरेडी बना हुआ है नेक में, बट जो इसकी लेंथ है वो ज़्यादा नहीं है, वो है 7 इंच। तो इसका भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो इनको ही मैं इस तरीके से मिलाऊंगी जो शोल्डर है। तो ये फ्रंट साइड का मैंने शोल्डर इस तरीके से मिलाया, इसको भी हम उतनी ही ब्रॉडनेस रखेंगे जितना बैक का ब्रॉडनेस रखा था, और इसकी जो लेंथ की कटिंग होगी वो भी इसी तरीके से होगी, पर ये जो वी है वो पड़ा रहेगा, थोड़ा सा वी बचेगा नीचे। इसकी भी इसी तरीके से हम 1 इंच और बढ़ा लेते हैं चौड़ाई नेक की, और जो इसका डीपनेस है वो हमने उधर 4.5 किया था, इधर भी 4.5 पे गोलाई करके इधर हम एक बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बना लिया है, यहाँ भी इसकी गोलाई देंगे हम।
थोड़ा इस तरीके से करके ये मैं कट कर लेती हूँ इसको। तो ये हमारा फ्रंट नेक मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ, तो कुछ इस तरीके से लुक आया है। ये बैक का नेक है हमारा, ये आप देख रहे होंगे, और ये फ्रंट नेक आ गया है। तो ये जो वी है ये ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। बाकी जो ये हमारा नेक है तो इसमें हम तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं तिरछी पट्टी। तो फ्रेंड्स ये ऑलरेडी मैंने तिरछी पट्टी इस तरीके से बना के और जॉइंट किया हुआ है। वैसे जो तिरछी पट्टी किस तरीके से काटा जाता है और इस तरीके से जो जॉइंट किया जाता है, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। और उससे पहले हमें इसके शोल्डर जॉइंट करने हैं, फिर पूरे जो नेक में है ये हमारी तिरछी पट्टी ही लगेगी। तो चलिए शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कुर्ती को उल्टा करूँगी और इसके शोल्डर जॉइंट करूँगी। तो फ्रेंड्स शोल्डर जो है मैंने जॉइंट कर दिए हैं। और कई बार मुझे ऐसे कमेंट आते हैं, मैम जो हमारा शोल्डर है वो बढ़ गया है, मतलब जो फ्रंट शोल्डर है वो बैक शोल्डर से इस तरीके से निकल गया है, बढ़ गया है ज़्यादा। तो इसमें ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो भी आपका शोल्डर ज़्यादा हो गया है और इस तरीके से अगर दिख रहा है तो उसको कट कर लें। तो चलिए अब हम इसमें पट्टी लगा लेते हैं, तिरछी पट्टी। तो अब हम तिरछी पट्टी लगाएंगे, हम इस साइड से शुरू करेंगे। इस साइड से शुरू करें या फिर इस साइड से, तो जो भी साइड से आप शुरू कर रहे हैं पूरे में लगाते हुए बैक में भी, और फिर यहाँ पे आके आपका जो है तिरछी पट्टी आपको ख़त्म करनी है। तो चलिए लगा लेते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जो मेरी तिरछी पट्टी आपको बता देती हूँ, 1.5 इंच चौड़ी है और लंबाई आप ज़्यादा ही रखें थोड़ा नेक में, कम नहीं पड़नी चाहिए। ज़्यादा पड़ गई तो कोई बात नहीं, कट हो जाएगा, बट कम नहीं पड़ना चाहिए। तो ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, तो इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी। और ये इस तरीके से मैंने कुर्ती को सीधा ही रखा हुआ है। तिरछी पट्टी को आधा इंच तकरीबन इस तरीके से करके आपको ये उल्टे साइड इस तरीके से फोल्ड करना है। और यहाँ पे हम सिलाई लेंगे, पूरी गोलाई से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो पट्टी लगाई है मैं इसको बिल्कुल ढीला लेके चलूँ, एकदम खींचना नहीं है इसको। तो इसको इस तरीके से कर लेंगे और ये इधर जाके उल्टी साइड कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं इसमें तुरपाई करूँगी क्योंकि ये थोड़ी चौड़ी पट्टी है और इस पर सिलाई अच्छी नहीं लगेगी, तो मैं इसको पूरे में इस तरीके से करके तुरपाई कर दूँगी। बट तुरपाई करने से पहले मैं क्या करूँगी कि इसके पूरे राउंड में एक कच्ची सिलाई लगा लूँगी, ताकि जो मैं तुरपाई करूँगी तो मुझे तुरपाई करने में आसानी हो। तो चलिए कच्ची सिलाई लगा लेते हैं पूरे में, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये पट्टी जो है पूरी फोल्ड करके और सिलाई कर ली है इस तरीके से। और क्योंकि अभी मेरे पास जो प्रेस अवेलेबल नहीं है, मैंने ठीक करवाने के लिए दी हुई है,
तो अगर प्रेस होती तो ये बहुत ही आपको इसकी अच्छी फिनिशिंग दिखती, क्योंकि ये पट्टी लगाने के बाद कुछ इस तरीके से ये मुड़ जाते हैं नेक, तो हम प्रेस करते हैं तो उससे बहुत अच्छी इसकी सेटिंग बैठ जाती है और ये बहुत ही अच्छे से जो है नेक बन गया है हमारा। और आप चाहें तुरपाई नहीं करना चाहते, इसी सिलाई में आप करना चाहते हैं तो सिलाई आप पक्की करें, ये जो मैंने बाद में सिलाई करी है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा इस तरीके का नेक है और अगर आपका भी इस तरीके का वी बना हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको जैसे ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए तो आप इस तरीके की पतली पट्टी भी बना के यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा, पट्टी लगा लेंगे तो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।